नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। इसी महीने के 15 और 16 तारीख को भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर सर इस्लामाबाद पाकिस्तान में रहेंगे। इसके पीछे का वजह है कि वो पाकिस्तान में SCO के द्वारा जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जा रहा, उस मीटिंग में वो पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि इस मीटिंग को कायदे से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को अटेंड करना चाहिए था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए PM मोदी पाकिस्तान जाना अवॉइड किए। हालांकि इसके पीछे और भी बहुत सारे वजह रहे होंगे। इसी बीच बहुत फैसला करने के बाद या मीटिंग्स वगैरह करने के बाद ये फैसला लिया गया कि डॉक्टर जयशंकर सर पाकिस्तान जाएंगे और इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर सर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे उतारते हैं या जिस तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सच में अपने आप में काबिले तारीफ है। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि आखिर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, कब इसकी फॉर्मेशन हुई और किस तरीके से इस ग्रुप या इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ग्रुपिज्म क्रिएट हो गया है। जैसा कि नॉर्मली किसी भी अखबार में जो हेडलाइंस छपता है, अगर हम उसी हेडलाइंस को अगर हम डिकोड करना शुरू करें तो हमें एक अंदाज़ा बैठ जाता है कि आखिर में ये आर्टिकल किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है या एग्जैक्टली किस मुद्दे के ऊपर लिखा गया है। तो जैसे कि SCO का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई चाइना में एक शहर है। कॉपरेशन का मतलब भाईचारिता होता है, ऑर्गेनाइजेशन हम सिंपली एक ग्रुप समझ लें। तो अगर हम सिर्फ इसी तीन शब्दों को अगर हम आगे पीछे करके हम देखेंगे तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ जाता है कि SCO जो ग्रुप बनाया गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक जुटता या कहीं ना कहीं एक कॉपरेशन वाली फीलिंग्स को देख के बनाया गया है। एग्जैक्टली यही मतलब है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, या यही थीम रहा था इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। SCO की मीटिंग हर साल होती है, तो मतलब ये है कि ये एक एनुअल होने वाला मीटिंग है और इन टोटल SCO में प्रेजेंटली आपके 10 कंट्रीज हैं। जो लेटेस्ट कंट्रीज को ज्वाइन किया है वो है बेलारूस, और वो इसी साल किया है, और SCO के जो मेंबर है वो ईरान भी है। नॉर्मली जियोपॉलिटिक्स में क्या देखा जाता है कि अगर किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट से अगर वो मिलना नहीं चाहते हैं और किसी भी कारण से अगर उनके बीच में संबंध खराब हो जाते हैं, तो दूसरे देश के द्वारा कोई भी अगर ऐसा मीटिंग या कोई भी ऐसा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वो उस कॉन्फ्रेंस को अवॉइड करते हैं और अपने किसी सबऑर्डिनेट को भेजते हैं। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा हमें इस बार, क्योंकि इस बार का जो SCO का मीटिंग है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया जा रहा। अगर हम वक्त निकाल के जियोपॉलिटिकल न्यूज़ को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो ग्रुप्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है ये नो डाउट अपने देश की जो इकॉनमी है उसको बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन इकॉनमी के पीछे एक और जो सबसे बड़ा वजह होता है वो होता है कि एक दूसरे को काउंटर करने का। सपोज दैट मैं अपने आप को चाइना मान लेता हूँ, तो जैसा कि हमें पता है कि USA और चाइना के बीच में संबंध खराब हैं, तो US क्या करेगा कि कुछ ऐसे देशों को अपने साथ में मिलाएगा जिनके संबंध आपके चाइना के साथ खराब हैं, फॉर एग्जाम्पल ताइवान और जापान को। तो यहाँ पे ये हो गया कि 3-4 देश मिलके एक ग्रुप क्रिएट कर लिए और वो जो ग्रुप है उसके संबंध चाइना के साथ खराब है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाइना के लिए एक थ्रेट आना शुरू हो गया। तो अब चाइना क्या करेगा कि वो अब कुछ उन देशों को ढूंढेगा जिनके संबंध जापान, US या उस ग्रुप के जो सबसे स्ट्रांग देश हैं उनके संबंध किनसे खराब हैं, तो वो उन सब कंट्रीज को मिला के एक ग्रुप क्रिएट करेगा। तो ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन के पीछे एक दूसरे देश का जो हेजिमनी है या उसका जो बढ़ता हुआ विस्तार है या ग्लोबल प्रेजेंस है उसको भी काउंटर करने के लिए किया जाता है। लेकिन कितनी बार ऐसा भी होता है कि एक ही देश 3-4 अलग अलग ग्रुप्स के मेंबर हो जाते हैं। तो सपोज दैट जब आप एक ही टाइम पे 3-4 अलग अलग देशों के जब आप या 3-4 अलग अलग ग्रुप्स के जब आप मेंबर्स हो जाते हैं तो आपके लिए फैसला करना इतना आसान नहीं होता है। आज जिस ग्रुप को हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ये साल 1996 में इसी ग्रुप को हम शंघाई 5 के नाम से जानते थे। तो कहने का मतलब है कि कोई भी ग्रुप का जो फॉर्मेशन होता है वो रातों रात नहीं होता है। आपके दिमाग में एक विचार आते हैं, फिर उस विचार के ऊपर काफ़ी समय तक काम किया जाता है, उसके बाद फिर वो विचार एक कंप्लीट तरीके से आपका ग्राउंड में एग्जीक्यूट होता है। तो अगर इसको हम बहुत ही आसान शब्दों में समझना चाहें तो शंघाई 5 को ही
उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करके अब उसको बना दिया गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जैसा कि हमें पता है कि साल 1991 को यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसके साथ 15 नए देश को इंडिपेंडेंस मिला था। तो कितनी बार ये होता है कि जब कोई बड़ा साम्राज्य टूटता है तो उसके बाद छोटे छोटे और भी साम्राज्य पैदा हो जाते हैं या उनको भी इंडिपेंडेंस मिलता है। लेकिन उसके साथ ये भी होता है कि और भी कुछ ऐसे ग्रुप्स वगैरह होते हैं, वो भी अपनी आज़ादी को चाहते हैं। तो किसी भी देश को एकजुट रखने के लिए नो डाउट ये शायद कोई भी देश पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, लेकिन टू अ सम एक्सटेंट अगर वो देश एक ब्रूटैलिटी कह ले या एक फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो देश अपने आप को कभी भी जोड़ के नहीं रख सकता है। और ये चीज़ आपको तकरीबन हर देश में कॉमन आपको देखने को मिलेगा, चाहे हम आज का रशिया के बारे में बात कर ले, चाहे हम भारत के बारे में बात कर ले, चाहे हम चाइना के बारे में बात कर ले। तो जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं उनको एक मौका मिल जाता है जहाँ पे उनका अटेम्प्ट होता है कि किसी भी तरीके से जो प्रेजेंट रशिया है या जो उस वक्त का यूएसएसआर था उसको कंप्लीट तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। तो उसी बीच क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे आर्म ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है जो कहीं ना कहीं आज़ादी की डिमांड कर रहे थे, और जो किसी टाइम पे यूएसएसआर था उन सब एरियाज़ में कहीं ना कहीं जो मिलिटेंसी था या आर्म ग्रुप्स का जो फॉर्मेशन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो अगर किसी भी एरिया में एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर आर्म ग्रुप्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो उस एरिया के आसपास के जितने भी जो देश होते हैं उनको भी खतरा महसूस होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए साल 1996 में आपका शंघाई 5 का फॉर्मेशन किया जाता है। तो उस वक्त इस ग्रुप में रहता है चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैं इन तीनों कंट्रीज का नाम को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं। तो समय के साथ किसी भी ग्रुप का विस्तार करना ज़रूरी हो जाता है, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वगैरह होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो लेटेस्ट कंट्री इस ग्रुप को ज्वाइन किया है उसका नाम है बेलारूस, और बेलारूस के ज्वाइन करते ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल हो जाते हैं 10 कंट्रीज। और अगर आप इन सब 10 कंट्रीज़ का अगर आप नाम देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रीडोमिनेंटली ये सारे देश एशियन कंट्रीज हैं। और साथ में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये दो ऐसे ग्रुप है जो कंप्लीट तरीके से वेस्टर्न पावर को काउंटर करने के लिए बनाए गए थे। हालांकि ये जो नैरेटिव्स दिए जाते हैं ये आपके प्राइमरीली दिए जाते हैं यूएस के द्वारा। सो किसी भी तरीके से अगर आप यूएस के इंटरेस्ट के सामने आते हैं तो यूएस कुछ इस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाता है या एडवर्टीजमेंट प्रमोशन करता है, करवाता है, जहां पे वो सामने वाला देश अगर कुछ कर रहा है और उसके कुछ करने से अगर यूएस का इंटरेस्ट को कहीं से भी अगर कोई नुकसान पहुंच रहा है तो उसके बारे में काफ़ी नेगेटिव इंफॉर्मेशन फैलाया जाता है। एग्जैक्टली कुछ हमें ऐसा ही देखने को मिलता है एससीओ और ब्रिक्स के बारे में। जहां तक अगर हम बात करें सिर्फ एससीओ के बारे में तो यहां पे दो कंट्रीज काफी स्ट्रांग है, नो डाउट एक चाइना है और दूसरा रशिया है, क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन हो रखा है यहाँ पे मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है वो हमें दिख रहा, रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ वॉर में है, तो कहीं ना कहीं चाइना और रशिया अब तक के इतिहास में सबसे क्लोज आए हैं। लेकिन बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है उनका ये मानना है कि रशिया और चाइना दोनों एक दूसरे का एक लिमिट के बाद बढ़ता हुआ कद नहीं देख सकते हैं, जो कि बहुत ही एक्सेप्टेबल चीज़ है। जहां तक हम बात करें चाइना के बारे में तो ये कहते हुए बहुत कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा कि चाइना जिस भी देश के साथ व्यापार करता है चाइना के पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ रहता है। तो इसीलिए जो बीते 10, 12 या 15 सालों में जो चाइना का ग्लोबल डोमिनेंस हमें देखने को मिला है वो इसीलिए भी हमें देखने को मिला है कि चाइना आपको इतना ऑफर कर देता है कि जितना शायद आप उम्मीद भी नहीं करते हैं। एससीओ में एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है साल 2017 में जब भारत और चाइना इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है कि भारत के रशिया के साथ संबंध अच्छे हैं, वहीं क्योंकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये पाकिस्तान से होके गुजर रहा, तो इसीलिए पाकिस्तान और चाइना के बीच में संबंध अच्छे हैं। तो जब रशिया भारत को प्रमोट करता है या
पुश करता है SCO को ज्वाइन करने के लिए, तो वैसे ही चाइना करता है। क्यों करता है? ताकि वो अपने जो पावर है उसको वो बैलेंस करके रखे। तो ये भी काफ़ी एक परफेक्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि एक ग्रुप के अंदर भी एक ग्रुप क्रिएट हो रखा है जहाँ पे किसी भी तरीके से रशिया चाहता है कि उसके हिस्से में कुछ वैसे देश रहें जिनसे उनके संबंध अच्छे रहें। एग्जैक्टली कुछ इसी प्रिंसिपल पे फिर चाइना भी काम कर रहा। जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है बेलारूस का, बेलारूस और रशिया के बीच में भी जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो एक तरफ अगर रशिया किसी देश को ज्वाइन करने के लिए कहता है, वहीं चाइना भी करता है। तो इससे क्या होता है कि जो बैलेंस है उस इस पूरे ग्रुप का, या किसी भी तरीके से अगर कोई भी मीटिंग में चाइना अगर अपने आइडिया को प्रमोट करेगा तो कहीं ना कहीं उसे भी कुछ देश का सपोर्ट चाहिए जो चाइना के हाँ में हाँ भरे। तो यहाँ से भी हमें समझ में आता है कि ग्रुप का फॉर्मेशन तो हो गया है लेकिन इस ग्रुप के अंदर भी ग्रुपिज्म क्रिएट हो गया है जहाँ पे रशिया और चाइना दोनों अपने अपने एजेंडा को पुश करेंगे। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ही इस ग्रुप में ग्रुपिज्म क्रिएट हो रखा है, बल्कि कोई भी अगर आप ग्रुप को अगर आप उठा के देखेंगे, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया हो, चाहे US के द्वारा बनाया गया हो, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जिनके आपस में संबंध अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सारे जो चीज़ है वो आपका काफ़ी कॉमन फिनोमिना है। अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इस ग्रुप के मदद से भारत को मौका मिलेगा जहाँ पे अलग अलग या वैसे देश जो किसी टाइम पे USSR के हिस्सा थे, उन देशों के साथ वो डायरेक्टली मिलेंगे, बैठेंगे और किसी भी तरीके से अपने देश का जो व्यापार है उसको बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस टाइप के ग्रुप्स का अगर आप मेंबर नहीं रहते हैं तो देशों के साथ जो मिलने का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लेट होता है। तो इंडिया भी एक काफ़ी बड़ा देश है जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चीज़ों को अधिक से अधिक मैन्युफैक्चर करें। तो जब आप चीज़ों को अधिक से अधिक मैन्युफैक्चर करते हैं या करने के बारे में जब आप प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको मार्केट भी ढूंढना पड़ता है। तो हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि इन सब ग्रुप्स के मदद से आप उन सब देशों तक पहुंच सकते हैं जो देश इस ग्रुप का हिस्सा हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।